हेलो स्टूडेंट्स, अभी इसमें बताने जा रहे हैं ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग इन वर्टिकल। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग इन वर्टिकल। देखिए वर्टिकल में फर्स्ट केस ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, लेंथ कितनी है कैपिटल एल है, स्प्रिंग है, इसको आपने क्या किया किसी सॉलिड पॉइंट से क्या किया इसको हैंग इसको लटका दिए हैं, तो इस तरह से इसमें जो है कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुई लेंथ। लेकिन जैसे इसमें आप वेट लगाओगे, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आपने वेट लगा दिया कितना W विल बी इक्वल एम जी, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, कितनी लेंथ इंक्रीज हो गई L। इस केस में सेकेंड केस में बाई हुक्स ला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, F विल बी इक्वल माइनस के L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड W will be equal है mg, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस पोजिशन या कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन, mg प्लस माइनस kl will be equal क्या होगा जीरो, mg विल बी इक्वल कितना आएगा के एल, इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट ऑसिलेशन डेवलप करेंगे, इसमें फोर्स अप्लाइड करेंगे और इसमें एक्सटेंशन होगा डब्ल्यू इक्वल एम जी, कितना डिस्प्लेस करेंगे आप वाई, पहले से कितना डिस्प्लेस है एल, और इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है एफ। तो इस तरह से जैसे आप इस पर वेट लगाएंगे और उसको क्या करेंगे ओपन कर दें मतलब हटा रिमूव करेंगे, तो स्प्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा ऑसिलेशन डेवलप हो जाएगा, और ड्यूरिंग ऑसिलेशन इन द इन थर्ड कंडीशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एफ डैश कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L प्लस वाई, या फिर ऐसा भी होगा कि F डैश विल बी इक्वल माइनस के L प्लस वाई। देखिए पहले से फोर्स कितना अप्लाई है माइनस के L, लास्ट में कितना अप्लाई हो गया L प्लस वाई, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, रिजल्टेंट फोर्स will be equal F dash minus F, पहले वाले F dash को F को माइनस कर देंगे तो माइनस L प्लस वाई माइनस के एल को प्लस हो जाएगा, माइनस के एल माइनस के वाई और प्लस के एल कैंसिल माइनस के वाई। बाई न्यूटन सेकेंड ला, बाई न्यूटन सेकेंड ला F will be equal क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, देयर फोर एम इंटू ए विल बी इक्वल माइनस के वाई, देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल माइनस के अपान एम इंटू वाई, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, मीन्स कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, एंड टाइम पीरियड T will be equal to pi under root m by k, 2 pi under root y upon a लिखें पहले y upon a, अब y upon a की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा m by k। तो इस तरह से स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन होगा उसका फार्मूला कितना हो जाएगा T equal to pi under root m upon k। यहां तक ये हो गया ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग इन वर्टिकल, वर्टिकल कंडीशन में जो ऑसिलेशन होगा टी विल बी इक्वल वो उसका फॉर्मूला आ गया टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एम अपान के।
नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग है तो उसमें जो ऑसिलेशन, ये तो अटैच्ड मास था, तो उसका भी लगभग यही फार्मूले आएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट, रीस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट। तो इसमें आप देखिए, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा रीस्टोरिंग फोर्स में आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है, यहां से फर्स्ट कंडीशन जहां एक्स विल बी इक्वल क्या है, जीरो, सेकेंड इस पर वेट लगा दिया आपने, डिस्टेंस कितना आ गए, एक्स विल बी इक्वल जीरो एक्स, और ये रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। नेक्स्ट केस ये हो गया आपका एक्स मीन पोजीशन से, यहां पर भी रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखिए कोई भी स्प्रिंग है अगर आप डायरेक्ट प्लेन सरफेस पर रखते हैं तो उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, एक्स इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। फिर स्प्रिंग पर आप क्या करेंगे, फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जैसे फोर्स को रिमूव करते हैं तो स्प्रिंग अपने आप इनिशियल पोजिशन में आती, तो क्यों आती है, क्योंकि उसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। यानी ये जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आप एक्सटर्नल आपने अप्लाई किया है वो विल बी इक्वल होगा रीस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो कि जैसे स्प्रिंग में आपने वेट लगाया उसकी लेंथ इंक्रीज हुई, उसके बाद आप रिमूव कर लिए फोर्स, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो स्प्रिंग अपने आप इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। तो क्यों आ जाती है, क्योंकि उसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन, इसी को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो हुक्स लॉ से देखें, बाय हुक्स लॉ तो एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ, एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल क्या आ गया, के एक्स, बट यहां पर जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल है, माइनस एफ के, तो माइनस एफ विल बी इक्वल होगा के एक्स, एफ विल बी इक्वल होगा माइनस के एक्स। तो इस तरह से एफ विल बी इक्वल होता है माइनस के एक्स, के क्या है, वेयर, वेयर के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के की वैल्यू हो जाएगी एफ अपान एक्स, यानी इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो दोनों हमने बता दिया, इसको भी पढ़ना है आपको। थैंक यू।